तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज दिनांक 15 अक्टूबर है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव। और मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ के कोल्ड स्टोर में, जिसका नाम है कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, कई भैया लोग अपना आलू, जो किसान भाई लोग हैं, अपना आलू बाहर निकाल के ले जा रहे हैं और कोई कोई तो अपना आलू यहीं पे सुखा के बाहर बीजा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए, ये सब बातें बाद में करेंगे वीडियो के अंत में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आज के आलू का भाव क्या रहा है। आज के आलू के भाव में कुछ ज़्यादा ही ताजगी नज़र आ रही है, तो ज़रूर ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो न्यू हाईलैंड आलू होता है वो 1480 रुपये से लेकर और सबसे हाईएस्ट 1600 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहा है। और अगर हम वहीं पे बात करें अपने चिप्सोना की, तो चिप्सोना का जो भाव है वो भी लगभग न्यू हाईलैंड के सेम रेट हैं, 1500 से लेके 1600 रुपये के आसपास। और अगर वहीं बात करें कि कोल्डों से निकासी कैसी चल रही है, निकासी बहुत ही अच्छी है। और जो निकासी की वीडियो है, मैं इसके बाद दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार आदि जगह पे निकासी कितने परसेंट तक हो चुकी है, वो इसके बाद तुरंत एक वीडियो आएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब बात करें हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो 37-97 आलू होता है वो 1350 से लेके 1450 रुपये प्रति कट्टा और कोल्ड के भाड़ा सहित, और जो कियाती पुखराज होते हैं वो 1350 रुपये से लेकर और 1390 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहे हैं फर्रुखाबाद क्षेत्र में। और अगर हम वहीं पे बात करें अपने न्यू हाईलैंड की, तो न्यू हाईलैंड 1480 रुपये से लेके और 1550 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहा है। और अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में 37-97 जो आलू होता है, बढ़िया सुपर माल जो होता है, वो 1300 से लेकर और 1500 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित, जिसमें आपको वजन ना 52 किलो 300 ग्राम मिलने वाला होता है। और अगर वहीं बात करूँ जो गुल्ला आलू होता है, गुल्ला 1250 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति कट्टा, और जो कर्री होती है खाने वाली जो छर्री, वो 1100 से लेके और 1200 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रही है। और अब हम मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो श्रीनाथ आलू होता है वो 3100 से लेकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और जीपोर आलू जो होता है 3200 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल, और जो गुल्ला आलू होता है वो 2500 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल, और जो कर्री होती है वो 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। अगर भाई हम बात करें का नाम जयपुर की, तो जयपुर में 37-97 आलू जो होता है वो 2700 से लेकर और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और अब बात करूं मैं देहली आज़ादपुर मंडी की, तो देहली आज़ादपुर मंडी में जो 37-97 आलू होता है सुपर, जो शुगर फ्री आलू होता है ना, वो 2940 रुपये से लेकर और 2960 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है आज़ादपुर देहली मंडी में। और जो सूर्या है वो 3000 से लेकर और 3100 रुपये प्रति क्विंटल। और अगर बात करें हम छिबरामऊ की, तो छिबरामऊ का जो रेट है वो फर्रुखाबाद से मिलता जुलता रेट होता है, और इटावा, फिरोजाबाद, सिरसागंज आज जो हैं वो आगरा से मिलते जुलते रेट होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज के आलू के दाम में ना बहुत ज़्यादा उछाल आ के रखा है। और हाँ, बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में भी कल से 10-20 रुपये मंडी टाइट है, 10-20 रुपये मन। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग किसी दूसरे भाई को शेयर जरूर करें। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।